और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है सलार पार्ट 1 सीज फायर। और भाई इसकी डायरेक्शन की है प्रशांत नील ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है विजय, और स्टार कास्ट में है प्रभास सर, पृथ्वीराज हैं, श्रुति हसन हैं, जगपति बाबू हैं, बॉबी सिमा हैं, और साथ में तीनू आनंद हैं। और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और हम लोगों ने इसका टीजर भी देखा था और उसमें भी हमें एक्शन भरपूर नजर आया था। तो अभी देखते हैं ट्रेलर, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा मैं लोगों के चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दूर कहीं एक प्रांत में कौन है रे? कौन है? अरे देवा छोड़ना, जाने देना यार। बता मुझे कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई। मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे। उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना दिया और इस खानसार को साम्राज्य बना दिया। यहां पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वर्धराज मन्नार को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। ये वही है ना? राज मन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। राज मन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? नारंग रशियंस को लेके आए, गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद कौन कौन आएंगे, कितना आएंगे नहीं पता। कुर्सी के लिए तो बोल, कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम? भाई बता मुझे। एक देवा। हमारी आर्मी किधर है? वाओ, म्यूजिक, ओके। बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए बल्कि कोई बाहर से अंदर ना जाए। वी आर ऑल वायलेंट मैन, हमारे खून में ही वायलेंस है। कड़ों के लिए टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। मैंने कहा था ना छूना नहीं। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है, तूने सुना ना, वो सब मुझे चाहिए। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्लीज हाय काइंडली रिक्वेस्ट। December 22। वाओ,
भाई ट्रेलर की अगर बात की जाए तो मैं सच में कहूँगा भाई सिलार के ट्रेलर ने जो है ना वाकई में आपको जो है ना गूज़बम्प्स जो है वो दिए हैं, बेशक वो स्टार्टिंग हो बेशक वो एंडिंग हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना जो उनका बचपन का एक रोल दिखाया हुआ है ना उसमें जो एक मैं कहूँगा दोस्त जो है ना जो दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है वो वाली एक इंटेंसिटी जो है वो दिखाई हुई है। मतलब दोस्ती का ये लेवल है कि वो उनको बोलते हैं कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, यानी कि पहले खुद को रखते हैं और शिकार करूंगा भी। सो मुझे ये लगता है कि काफी ये जो हमें फ्रेंडशिप है ये इसका काफी एक इंटेंस लेवल हमें देखने को मिलेगा। और इवन के मैं कहूंगी कि जो फर्स्ट फ्रेम है वहां पर भी जिस तरीके से हम लोग को एक्टिंग नजर आई है, जो एक्सप्रेशंस नजर आए हैं वो कमाल के हैं। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा जंप करके जाऊं जहां पर प्रभास सर की फर्स्ट लुक हमें नजर आई है तो वो भी कमाल की है। सो मैं ये बात बोलूंगी कि जो ट्रेलर है इसका एक बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपको पहले तो बैकग्राउंड थोड़ा बताया गया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे लेकर ये बैकग्राउंड में आपको एक स्टोरी समझ आ रही है कि फ्रेंडशिप पर स्टोरी है, फिर उसके बाद आपको ये नजर आता है कि एक ऐसा क्लैन है जहां पर वो बसाया गया है, और फिर उसके बाद वहां पर किस तरह से अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद वहां पर एक राजनीति होती है कुर्सी को लेकर पावर को लेकर। नहीं मैं अगर बात करूं ना मेरे थोड़ा सा ये समझ आई है कि जैसे हम देखते हैं ना कि कोई क्लैन जो होता है वो पावर पकड़ रहा है तो उसी को लेकर जाए ना वो दिखाया हुआ है, क्योंकि बीच में एक जगह कहा हुआ है कि अनचैलेंज्ड यानी कि अनडिफीटेबल जो है वो आर्मी जो है उनकी रही हुई है, और उन्होंने खान सर पर जो है जो अपनी पकड़ पकड़ी उसके बाद उन्होंने उस शहर को जो है एक किला नुमा शहर जो है वो बना दिया। नेक्स्ट फ्रेम में आपको जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन उसमें जो है ना भाई एक चीज जो है जहां पर जगपति बाबू जी जो हैं वो आते हैं तो उसी फ्रेम में जो है ना आपको तीन मूर्तियां जो है नजर आती हैं, जिसमें एक जो है वो ईगल लगता है बिल्कुल, फिर उसके बाद जो है आपको एक बुल का लगता है, फिर एक जो है आपको फोक्स का नजर आता है। मुझे जो है ना उसका महत्व ये नजर आता है क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके आगे सरदार की कुर्सी पड़ी होती है, तो क्योंकि सारे फैसले वहीं से लिए जाते होंगे, कुर्सी का भी जिक्र बीच में आया है, तो उन तीन मूर्तियों का मुझे बहुत महत्व लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए फोक्स को हम कहते हैं कि भाई बहुत चलाक अक्लमंद, ठीक है ना, बुल को हम कहते हैं बहुत ताकतवर, और अगर चील की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं उसका जो हमला होता है ना वो बड़ा सटीक होता है, ठीक है ना, निशाने पे लगता है। तो मुझे जो है ना वो कुर्सी जो है और उसके पीछे जो तीन मूर्ति है ना वो लगता है कि भाई इस चीज को दर्शाती है। वैसे लूमड़ी चलाक होती है या सेल्फिश होती है इसके बारे में वैसे मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि चलाक लूमड़ी बोला जाता है, सो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है वो मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो मूर्तियां हैं वो थोड़ी डीमन टाइप की लगी हैं, कि जैसे हम लोगों को क्योंकि KGF के मेकर्स ने मूवी बनाई है तो आपको वो वाला टच भी इसमें नजर आता है। बट जैसे जगपति बाबू अनाउंस करते हैं कि वो अपने बेटे को मतलब कुर्सी पर देखना चाहते हैं, पावर में देखना चाहते हैं, तो उसके बाद ही आपको साजिशें जो है वो देखने को मिलती हैं और बहुत ज्यादा कत्लो गारत भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें एक्शन तो नजर आएगा ही आएगा, लेकिन आपको काफी ज्यादा वॉयलेंस भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक जो होते हैं ना पावर की जो आपके लिए डार्क सीक्रेट्स कह लें या उसकी रियलिटी कह लें वो शायद कहीं ना कहीं आपको जो है वो देखने को मिले कि भाई बड़े बड़े जो कुर्सियां होती हैं उनके पीछे जो है कितना कुछ जो है होता है। जैसे बीच में जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उसके बाद ही आपको जो है ना बीच में जैसे वो जो दरबान से लेकर आपको बाहर के लोग तो इन्वॉल्व उसमें नजर आ रहे हैं, और उसमें आपको रशियन सर्बियंस आर्मी और जो है 700 लोग और जो है वो बीच में बताया जाके भाई आ रहे हैं, लेकिन फिर वहां पे जो उनसे पृथ्वीराज से जब हम देखते हैं तो आपको वन मैन आर्मी नजर आ और वो है सलार के हीरो प्रभास सर, और मतलब एक्शन तो भरपूर आपको नजर आया ही आया, लेकिन जो डिफरेंट तरह के उसमें हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। और पृथ्वीराज सर की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी ऐसी वाइब आई है कि वो कहीं ना कहीं पर देवा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेंथ जो है उनकी जिस तरह से पावर दिखाई गई है उसको लेकर वो मतलब इस्तेमाल करेंगे। सो थोड़ी सी मैं बोलूंगी मुझे नेगेटिव वाइब आई है उनसे। फर्स्ट हाफ में नहीं आई, लेकिन सेकंड हाफ में जहां पे प्रभास आते हैं ना वहां पर कुछ सीन ऐसे हैं जहां पे उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। ये भी बोलते हैं कि मुझे सब चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह की गेम भी हमें देखने को मिलेगी। और प्रभास सर तो बहुत ज्यादा मतलब जो देवा है वो बहुत ज्यादा पोजेसिव दिखाए गए हैं, कि जैसे उन लास्ट में बोलते हैं कि तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जो लास्ट डायलॉग जैसे बोलते हैं प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट,
तो उसके बाद भी जो जो उनका बोलने का अंदाज होता है वो मतलब क्योंकि कमाल की एक्टिंग आपको उसमें नजर आ रही है। अच्छा वैसे बीच में जो है ना श्रुति हसन की बात करें एक छोटी सी झलक दिखाई हुई है, उनका रोल अभी जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बिल्कुल कि वो क्या जो है इसमें करेंगी, लेकिन लेकिन जो है ना वो छोटे से रोल में भी अच्छी लगी है। बट मैंने सुना है कि सलार के दो ट्रेलर आएंगे, अभी तो एक आ चुका है ना आज, और इसके बाद जो है वो मूवी रिलीज होने के कोई 5-6 दिन पहले जो है वो हमें सेकंड ट्रेलर देखने को मिलेगा। ये भी हमें जो है वो केजीएफ की तरह पार्ट्स में देखने को मिलेगी क्योंकि ये पार्ट 1 सीज फायर है। हाँ ऑब्वियसली, तो उसके बाद भी पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली, इसी वजह से अभी तो हम सीज फायर का जो पार्ट है वो वाला देखेंगे। और भाई 400 करोड़ का बजट है इस मूवी का और 22 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है। और मजे की बात ये है इसे एक दिन पहले डंकी रिलीज हो रही है, तो ये क्लैश जो है वो देखने को मिलेगा। पर रवि बसूर सर की बात है तो भाई क्या कमाल का म्यूजिक दिया, मतलब आज की जो आज का जो ट्रेलर हम लोगों ने देखा है इसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं पर KGF का भी बिल्कुल एक टच जो है वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। बिल्कुल उसका म्यूजिक भी रवि बसूर ने ही दिया है। लेकिन अगर आप देखो ना लोकेशंस की बात करो, जैसे एक बनाई है वो सारी चीजें, तो आपको KGF की बहुत ज्यादा याद आती है। बिल्कुल बीच में जो एक महल भी जो दिखाया गया ना टॉप पर, तो अगर आप KGF में देखना जो उसमें भी महल होता है, तो कुछ उस तरह की जो है आपको वाइब्स जो है वो आती हैं। लेकिन हाँ म्यूजिक की मैं भी यहाँ पे बात करूंगा कि भाई जो हमने KGF की अगर बात करें या इसकी बात करें जिसमें रवि बसरूर सर का म्यूजिक है, भाई सिचुएशन के लिहाज से बहुत मजा आता है सुनने का। बिल्कुल। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सलार एक ऐसा ट्रेलर था जिसका सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, और आप जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा है, स्टोरी लाइन क्या लग रही है और हर करेक्टर में आपको क्या फीलिंग आ रही है, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें ज्यादा वीडियो सब्सक्राइब वीडियो से गुड बाय।